कि बाकी के जो कैंडिडेट हैं कोई धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, कोई बंटवारा कर रहा है उसके नाम पर वोट मांगने आए हैं, अपने काम के नाम पर वोट नहीं मांग रहे। हमारी सीधी सादी राजनीति है, हम अपने काम पर और अपनी पहचान पर वोट मांग रहे हैं। और झुंझुनू की जनता एक एक घर वाकिफ है, जो काम हमारे परिवार ने, हमारे बड़ों ने करवाए और अक्सर अमित भी करवाते रहे हैं, हम उस काम को अपनी पहचान बनाकर वोट मांगने जनता के बीच में जा रहे हैं। उसमें एक निर्दलीय उम्मीदवार राजेंद्र कुटा भी मैदान में है, तो वो कई तरह की बातें बोल रहा है कांग्रेस के लिए, क्या कहेंगे? अभी तक तो राजेंद्र गुड्डा जी 2 बार मंत्री भी कांग्रेस की गोद में ही थे, तो ऐसा क्या परहेज अब कांग्रेस से उनको हो गया कि इतनी नफरत फैला रहे हैं कांग्रेस के लिए? तब कांग्रेस से परहेज नहीं था, जब मंत्री थे कांग्रेस की सरकार में तब उन्हें झुंझुनू की जनता याद नहीं आई? कौन से झुंझुनू के एक भी आदमी का उन्होंने तब काम कराया? अब जब उदयपुर वाटी से उनको हरा कर निकाल दिया तब उन्हें झुंझुनू की जनता याद आई है? और झुंझुनू की सारी जनता याद नहीं आई, सिर्फ एक विशेष वर्ग को उन्होंने टारगेट किया है। वो एक पार्टी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। झुंझुनू की जनता है, पढ़ी लिखी जनता है, समझदार जनता है, सब जानती है। उनको मुंह तोड़ जवाब जनता 13 तारीख को दे दी। तो आपको ये सामने है कि बी टीम की तरह काम कर रहे हैं, उनके ऊपर एक्शन नहीं। और आम जन अगर कोई भी हो, अगर साथ वाले देश का नाम ले तो एकदम तुरंत इस देश में एक्शन हो जाता है। उसके अलावा मैं एक बात कहूँगी, ये सैनिकों की धरती है, सैनिकों का बलिदान इस भूमि पे होता है और उनका अपमान है ये कि अगर जिस जो देश हमारे सैनिकों को, वीरों को मारता है, उसका नारा यहाँ दिया जाता है। ये कुछ नहीं है, ये हमारे यहाँ की जनता को बांटने का काम करने आए हैं। इनका और कोई उद्देश्य नहीं है, इन्हें जीतना नहीं है, इन्हें किसी एक विशेष पार्टी का रास्ता साफ करने का, उनको जिताने का मंसूबा ये दिल में लेकर आए, और ये झुंझुनू की जनता बहुत अच्छे से जानती है। भाजपा की पूरी टीम लगी हुई है, मंत्रियों की खुद उतर चुकी है, विधायक उतर चुकी है मैदान। भाजपा इतनी क्यों बौखलाई हुई है कि उनको इतना सहारा लेना पड़ रहा है? अगर उन्होंने काम करे होते और उन्होंने इतना ही विकास की तरफ ध्यान दिया होता, 1 साल से उनकी सरकार थी, तो उन्हें इतना सब कुछ करना ही नहीं पड़ता, इतने लोगों की उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। क्यों बैसाखियों का सहारा ले रहे हैं? काम पर वोट मांगते? हम तो काम पर वोट मांग रहे हैं, हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हमारा काम ही हमारी पहचान है, हम उसके दम पे ही झुंझुनू की जनता के बीच में जा रहे हैं। आम नागरिकों के मुंह पर, जबान पर एक एक आदमी के वो काम है जो ब्रजेंद्र ओला जी ने, शीशराम ओला जी ने कराया है। बड़ा मुद्दा ये है कि हिंदुस्तान के जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान है उसको बचाने की सख्त आवश्यकता है। अभी जिस तरह समाज को बांटने का काम किया रहा, वर्ग जिस तरह से धार्मिक के नाम पे, क्या गाय के नाम पे, कभी मस्जिद के नाम पे, कभी मंदिर के नाम पे, कभी शमशान घाट के नाम पे, कभी फौज के नाम पे, कभी किसान के नाम पे, जिस तरह का वर्गीकरण भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हो रहा है, शायद हिंदुस्तान के इतिहास में कभी ना हुआ है और ना होगा। हमें इस जनता को, तमाम लोगों को सोचना होगा कि वर्तमान परिस्थितियों में हमें किस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाएं, जो तमाम जो 3600 कौम को जो विश्वास रखने वाली, जो हिंदुस्तान की आज़ादी में तमाम जो लोग लड़ने वाले, आज उनको एक बार सख्त आवश्यकता है इस गंगा जमनी तहजीब की। क्योंकि भाजपा नहीं चाहती गंगा जमनी तहजीब रहे, नहीं चाहती किसान का विकास हो, नहीं चाहती बेरोजगारों को रोजगार मिले, नहीं चाहती सैनिक को वहाँ सुरक्षित, सेना बॉर्डर पर सुरक्षित रहे। फिर किसको सुरक्षित रखना चाहती है? केवल अंबानी और अडानी को, और केवल धर्म के नाम पे राजनीति की रोटी सेकना चाहते हैं। जिस तरह से झुंझुनू के अंदर जो मजहब के नाम पे कुछ पार्टियों को खड़ा करके किस तरह से बांटने का काम किया गया है, आज हम सबको सोचना चाहिए कि जो शीशराम ओला जी ने जिस तरह के जो सपने थे, जिस तरह से बजेंद्र ओला जी, आज इनका जो लड़का, आज बजेंद्र ओला जी का जो उनके जो अपने दादा के नाम पे, जो यहाँ के तमाम जो लोगों के नाम पे जो काम किए हैं, आज पुनः हमें सख्त जरूरत है इस संविधान को बचाने की। हमें जरूरत नहीं कि हम बजेंद्र ओला को वोट दें या उनको बेटे को वोट दे रहे हैं, इस कांग्रेस पार्टी के हाथ के निशान को वोट दे रहे हैं, जो हमेशा हर मजहब के व्यक्ति के गली और कुंचे में जो खड़ी रहती है और मजहब से ऊपर उठ करके इस हिंदुस्तान की रक्षा के लिए माना जाता है। ये सिखावाटी नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमें एक मैसेज देने की आवश्यकता है कि भाजपा को कैसे रोकें, किसान को कैसे बचाएँ, व्यापारी को कैसे बचाएँ। हमें सख्त आवश्यकता है हम सब मिलकर के इस भाजपा के जो विचारधाराओं के खिलाफ हमें लड़ने की आवश्यकता है। आज मजहब से ऊपर उठ करके हमें इस राष्ट्र को बचाने की आवश्यकता है। हमें इस राजनीति से ऊपर उठ करके इस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने की आवश्यकता है। मैं रशीद खान मुगल,
झुनू काजमावाला मणियार समाज से बोल रहा हूँ। अमीर जी हमारे लिए बहुत काम किया है, 15 लाख रुपए कब्रस्तानों के लिए अभी भी पास किए हैं। हम पहले भी साथ थे, अब भी साथ हैं और सदा से कांग्रेस को वोट देते आए, कांग्रेस को देंगे। हमें यहाँ विकास चाहिए और कोई जातिवाद पे वोट नहीं है, सब हमेशा कांग्रेस के साथ रहे, साथ हैं, साथ रहेंगे। कांग्रेस पार्टी हमेशा विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ती है। कांग्रेस के पास अन्य कोई जातिवाद धर्म का मुद्दा नहीं है, वो हमेशा से आज से जो है विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ती है। उनके पास गरीब की, मजदूर की, व्यापारी की, पूरे देश के विकास के मुद्दे, और उसी मुद्दे पर जो है झुंझुनू का उप चुनाव जो है लड़ा जा रहा है। अमित ओला जो प्रत्याशी हैं उनका और पार्टी का यही एजेंडा है कि हम विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे और उनके बीच, जनता के बीच जाएंगे और वोट मांगेंगे। बीजेपी का मुद्दा जो है जनता का कोई मुद्दा नहीं है उनके पास। उनके पास अपनी जाति धर्म का मुद्दा है, वोटों को जो है वर्गीकरण करना है। वर्गीकरण करने के बाद जो है उसके आधार पर वो अपनी जीत और वो चुनाव तय करते हैं। वहाँ जनता के लिए कोई मुद्दा नहीं है और कांग्रेस विकास के मुद्दों पर अपना चुनाव लड़ रही है और लड़ती आई है हमेशा। और उनके पास जो है अन्य जो जातिवादी मुद्दे हैं नहीं, और विकास के मुद्दों ही पर वो अपना चुनाव लड़ती है। चुनाव में ये है, यहाँ झुंझुनू जिले की जनता है वो हमेशा कांग्रेस की, बेयर कांग्रेस की सपोर्ट करती है। इन्होंने झुंझुनू जिले के लिए बहुत काफ़ी काम किए हैं कांग्रेस ने, और इसके काम को देख के ये झुंझुनू जिले की जनता है हर 36 कौमी वोट करती है। और झुंझुनू एक हरियाणा के टच में होके, और यहाँ इन्होंने गुंडागर्दी है ये नई पनपनती, और ये इसी वजह से इनको ये कांग्रेस को वोट कर रहे हैं। और आए हुए को सबको सम्मान और सम्मानजनक सबका रहने की वजह से ये सारे यहाँ वोट करते हैं।